हेलो दोस्तों, मैं वरुण आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वरुण फॉर टेक्निकल में। सो दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं एक वीडियो बनाने वाला था एसआई से रिलेटेड, क्योंकि एसआई से रिलेटेड जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आपने एसआई कार्ड, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप किसी कंपनी का कर्मचारी हैं, तो आपका एसआई कार्ड जो है कि ज़रूर बना होगा। अगर नहीं बना होगा तो वीडियो देख लीजिए। अगर आपका एसआई कटता है तो भी वीडियो देख लीजिए। एसआई में जो है कि आपका पूरा इन्फॉर्मेशन, यानी एसआई में जो है कि हम लोग नया यूजर नेम कैसे बनाते हैं। मान के चलिए आपको एसआई नंबर मिल गया, आपको यही पता नहीं है कि हाँ उसमें यूजर नेम कैसे बनाना है और उसमें जो है कि पासवर्ड कैसे बनाना है, उसमें लॉगिन कैसे होना है, लॉगिन होकर हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपके मतलब नाम में कुछ गड़बड़ी है या नहीं, डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या कंपनी वाले ने जो उल्टा सीधा डाल दिया है, उल्टा सीधा मतलब गलत डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया है, नाम गलत डाल दिया। तो ये लॉगिन करके आप जो कि अपने खुद से मोबाइल से जो कि जानकारी ले सकते हैं कि हाँ आपका एसआई में जो कि कुछ गड़बड़ है या क्या है। ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है कि आप अपने खुद मतलब मोबाइल से खुद घर बैठे जो कि आप देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आपको किसी साइबर कैफे वाले के पास जाना की आवश्यकता नहीं है, खुद से देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है कि आपको एक एसआई नंबर की मदद से जो है कि आपको पासवर्ड जो कि बनाने के लिए सिखाऊंगा और लॉगिन करने के लिए सिखाऊंगा, और उसमें जो कि जो भी डिटेल दिया गया है उसके बारे में जो कि थोड़ा नॉलेज बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ जो कि वहाँ पे शो होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग जानने से इच्छुक हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल पर, पहले में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। बीच में अगर छोड़ कर जाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कह रहा हूँ पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर एसआई कार्ड के बारे में जो कि इन्फॉर्मेशन जो है कि आपको लेना है, तो सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र ओपन करना है। तो हमारे पास गूगल क्रोम ब्राउज़र है, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जो कि इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको एक नया टैब ले लेना है। नया टैब लेने के बाद जो है कि आपको यहाँ से सर्च करना है esic.gov.in, क्लिक कर सर्च कर लेना है gov.in। इस तरह से जो है कि आपको लिखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ए हम लिखे हैं, सेम उसी तरीके से जो है कि आपको भी लिखना है। उसके बाद जो है कि यहाँ पे इसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं एसआई का जो है कि वेबसाइट यहाँ पे खुलकर आ गया है, और एसआई का वेबसाइट जो है कि कुछ इस तरह से जो है कि खुलकर आ जाता है। उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, जैसे एम्प्लॉयर, उसके बाद इन पर्सन बेनिफिशरी और इंश्योरेंस, मेडिकल, एसआई स्टाफ, और यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया गया है। तो फिलहाल जो है कि आप इसके एसआई से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप देखिए यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करके जो है कि आप अच्छे जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल इसको मैं आगे ले चलता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, साइन अप करना है, यानी कि आईडी पासवर्ड बनाना है। तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाता है, पहला एम्प्लॉयर लॉगिन और दूसरा पर्सन लॉगिन। तो एम्प्लॉयर लॉगिन में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो भी लॉगिन कर सकते हैं, और लेकिन जो पर्सन बेनिफिशियरी है उसमें जो कि पर्सन लोग भी अपना कर सकते हैं। जो लोग कंपनी में काम करना है उनको जो कि किस उनको लॉगिन करने के लिए उनको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे पर्सन बेनिफिशियरी में क्लिक कर देना है। और इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो मान के चलिए यहाँ पे लैंग्वेज आ रहा है, तो लैंग्वेज देखिए यहाँ पे अंग्रेजी लिख के हिंदी लिख के आ रहा है। इसको आप भाषा भी चेंज कर सकते हैं, तो जैसे कि मैं भाषा इसको अभी अंग्रेजी कर देता हूँ। और अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मान के चलिए आपको पहली बार कोई एसआई नंबर मिला है कंपनी से, तो देखिए यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद ही जो है कि आपका क्या होगा, आईडी पासवर्ड बनेगा। अगर आपका बना हुआ है तो आपको यहाँ पे एसआई नंबर डालना है, उसके बाद आपने जो पासवर्ड बनाया है उसको आपको यहाँ डालना है, और जो ये कैप्चा लिख के आ रहा है उसको यहाँ डालना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे दबा देना है। इस पे जैसे ही दबाइएगा तो लॉगिन हो जाएगा और सारा इन्फॉर्मेशन बता देगा कि हाँ आपका एसआई कार्ड में ये नाम है, आपका ये डेट ऑफ बर्थ है, ये बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिलहाल हमारे पास जो है कि क्या है कि मतलब पासवर्ड नहीं बना हुआ है, तो पासवर्ड जिनके पास नहीं बना हुआ उनको क्या करना है कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है साइन अप। ध्यान से देखिएगा, साइन अप वाले पर क्लिक करके पासवर्ड नया बनाना होता है। जो लोग पासवर्ड बनाए थे भूल गए तो आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके नया पासवर्ड जो है कि क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे जो लोग पहली बार अपना पासवर्ड बनाना चाहते हैं उनको साइन अप पे क्लिक करना है। चलिए हम साइन अप पे क्लिक करते हैं। साइन अप पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला आपको इंश्योरेंस नंबर जो है एसआई नंबर है वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है।
उसके बाद आपको जो उम्र है, डेट ऑफ बर्थ है, उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे एंटर कर देना है, और जो कैप्चा लिखा है ये वाला उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे साइनअप पे क्लिक कर देना है। साइनअप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप जो है कि आ जाएगा, तो चलिए इसको हम फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद आगे आपको बताते हैं। इतना भरने के बाद आपका वेरीफाई मोबाइल नंबर जो है कि यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी के जो है कि आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे कि आपको पासवर्ड जो है कि आपका जो ओटीपी है वो सही डालेगा, नहीं तो इनकरेक्ट ओटीपी लिख देगा। तो इतना कुछ करने के बाद जो है कि ओटीपी डालना है, उसके बाद वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको एक नया क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक करके यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू पासवर्ड पर आपको यहाँ पे क्लिक करके नया पासवर्ड बना, जैसे कि आपका नाम, मेरा नाम वरुण है तो मैं यहाँ पे वरुण लिख दूंगा, एट द रेट देख लूंगा, 2 3 4 5 कुछ भी इस तरह से नंबर जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो कि बनाना है। और उसके बाद नीचे कन्फर्म पासवर्ड पर भी क्लिक करके नया कन्फर्म पासवर्ड जो कि बना लेना है, मतलब री एंटर पासवर्ड भी वही दबा देना है। तो दोनों जगह दबाने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड बन जाएगा। अगर आप अब आपको फिर से SI के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से जो है कि फिर से यहाँ पे ID पासवर्ड डालकर SI नंबर और पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा कैसा जो है कि पेज वहाँ पे खुलता है। पूरा डिटेल आ जाएगा, मतलब जितना डिटेल है ना आपका वो सारा डिटेल आ जाएगा और वहाँ पर आपका डिटेल शो होने लगेगा। तो यही तरीका होता है जो कि आप लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा जो कि आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है कि आपको लॉगिन करना है, सारा जो है कि डिटेल जो है कि आपको यहाँ पे शो होना चालू हो जाएगा, जैसे कि आपका नाम, SI नंबर, मोबाइल, बैंक अकाउंट, सारे डिटेल शो हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे।